मैं हूँ गरिमा और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन जो न सिर्फ एक एक्टर है बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर भी है और आपने उनको सीरियल में देखा ही होगा और ये है सुमेर पसरीजा। Hi guys. और हम इनसे आज कुछ एक यूनिक चीज सीखने वाले हैं। आप क्या सिखाने वाले हैं आज हमें? Well, गरिमा, आज मैं एक फ्यूजन चिकन बना रहा हूँ जो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का मिक्स है। ये मेरी खुद की रेसिपी है, कुछ ट्रायल एंड एरर, थोड़ा मसाला इधर थोड़ा मसाला इधर। वेल, इसके अंदर मैं खड़े मसाला डाल रहा हूँ, सूखा धनिया होगा, हल्दी होगी, नमक, राई, मिर्च, कड़ी पत्ता, चिकन मसाला, दही, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट और अदरक का पेस्ट, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा चॉप मिर्ची, ऑफ कोर्स चिकन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फ्यूजन चिकन बनाना। अब सबसे पहले मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है और मैं उसमें ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ। ये तकरीबन कितना होगा? ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं कम प्रेफर करता हूँ, सो आधी कटोरी। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब मैंने उसके अंदर ये तेज पत्ता डाल रहा हूँ, सिनेमन, और इसके अंदर मोटी इलायची। अब ये और अच्छी तरह थोड़ा सा गर्म हो रहा है, अब खुशबू आने लगी है। बहुत कोशिश करिए कि बहुत जल ना जाए, क्योंकि अभी और भी हमने मसाला डालने हैं। अब मैं इसके अंदर ये राई डाल रहा हूँ, कड़ी पत्ता, साउथ इंडियन वाला फ्लेवर। एग्जैक्टली, अब ये कड़ी पत्ता मैं डाल रहा हूँ, ये मैंने 5-6 पत्ते इसमें डाल दिए, और चॉप्ड चीज डाल दी है साथ में। अब ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा हिला सकते हैं करछी से। आधी सूखी मिर्च भी डाल दी थी। हल्का हल्का सब ब्राउनिश हो रहा है, जलने मत दीजिएगा। और अब हमने इसके अंदर लंबा कटा प्याज डाला, तो जब आप अकेले रहते हैं एज अ बैचलर, तो किसी भी कंट्री में रहे थिंक सो आपको एक कुकिंग जरूर आना चाहिए। आप रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकते, एंड बिकॉज मेरा अपब्रिंगिंग भी मल्टी कल्चरल लोगों के साथ रहा है, मैं मलेशियन फ्रेंड्स रहे हैं, तो उन सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता था। तो फाइनली आपके शायद रिलेटिव थाए ही, मेरे रिलेटिव्स थाए हैं, तो काफी कुछ मल्टी कल्चरल फैमिली हम हैं, इसीलिए फ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है। फ्यूजन तो यही है। चलिए, अब हमारा ये प्याज ब्राउन हो गया है, अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रहा हूँ। गैस को थोड़ा कम कर दिया है मैंने, अब इसको मैं ढक रहा हूँ थोड़ी देर। जब तो ये पक रहा है, अब आप मुझे बताएं कि आपकी फोटोग्राफी का शौक कहाँ से शुरू हुआ? फोटोग्राफी हमेशा से हॉबी थी, जब मेरे पास जॉब नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी देर तक, तो मैं बस सड़क पर निकल जाता था फोटोग्राफी करने के लिए। और बस ऐसे ही जब करते करते फेसबुक उन दिनों नया नया लॉन्च हुआ था, तो मैं जब फेसबुक पे डालता था लोगों को पसंद बहुत आती थी। तो मेरे फ्रेंड थे जो वहाँ पर एडिटर थे मैगजीन के अंदर, लाइक सुमित तुम हमारे लिए काम क्यों नहीं करते, मेरी पिक्चर्स इतनी अच्छी हैं, तो लिखो। सो दैट्स वेयर दे स्टार्टेड सिलेक्टिंग माय पिक्चर्स, और वो मैगजीन्स के अंदर आने शुरू हुए। धीरे धीरे मैंने एडिटिंग सीखना शुरू किया, एंड करते करते आज मैं कॉन्सेप्ट शूट्स अच्छे करता हूँ, फैशन करता हूँ, ट्रैवल लिविंग करता हूँ। एंड देयर वी आर, टमाटर ऑलमोस्ट, कोशिश करिए कि ये चिपके नहीं, वैसे टमाटर भी पानी छोड़ेगा तो वो चिपकेगा नहीं, मगर फिर ध्यान रखिए और हिलाते रहिए। अब हमारा ये भी हो गया, अब इसके अंदर हम लोग मसाले डालना शुरू कर रहे हैं। ये मैंने आधा स्पून हल्दी डाली,
लाल मिर्च आधा स्पून ही है, आप चाहें तो ज्यादा डाल सकते हैं लेकिन हिसाब से कई मिर्चें ज्यादा तीखी होती हैं। नमक स्वाद अनुसार, सूखा धनिया भी आधा स्पून, थोड़ा सा आधे से थोड़ा सा ज्यादा, एक से कम। और ये चिकन मसाला है, ये भी मैंने पूरा ये डेढ़ स्पून मैंने डाल दिया है। और अब मैं अदरक और लहसुन का भी पेस्ट डाल रहा हूँ। ये सब मसाले मैंने इकट्ठे ही डाले हैं। अब ये मैंने मसाले जो ये सब डाले हैं इनको मैं अच्छी तरह हिला रहा हूँ। ये देखिए बिना चिकन के ऑलरेडी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब कम से कम 15 मिनट तक इन मसालों को भुनने दीजिए, जल्दी मत कीजिए कि जितना ज्यादा मसाला भुनेगा उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने ढक दिया है दोबारा। उसके बाद एक्टिंग का शौक, मतलब मैंने आपके खाने का शौक पूछ लिया और मैंने आपके फोटोग्राफी का शौक पूछ लिया, तो ये एक्टिंग वाला एंगल कहाँ से? एक्टिंग ये स्कूल लेवल से मेरे को बहुत शौक था कि मैं थिएटर करूँ। तो स्कूल के अंदर जो हाउस फंक्शंस होते थे करते करते बड़े हुए इतना ज्यादा पैशन बढ़ गया कि मैंने प्रोफेशनली थिएटर करना शुरू कर दिया। अब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है जी। अब मैं इसके अंदर चिकन के कटे फ्रेश पीसेस डाल रहा हूँ। अब इसको बड़े प्यार से हल्का हल्का हिला रहा हूँ। ये चिकन कितना होगा तकरीबन? ये मेरे ख्याल से 200-300 ग्राम ब्रेस्ट पीस चिकन है। right. पैकेट्स भी मिलते हैं जी, जी, जी। ये अब मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है चिकन को। अब फिर इसको थोड़ी देर ढक रहा हूँ, एटलीस्ट 10-15 मिनट। तो 200 ग्राम चिकन के लिए हमने शायद दो बड़े टमाटर लिए थे और एक बड़ा प्याज लिया था। ओके, तो इंग्रेडिएंट ज्यादा है लेकिन मेहनत का नहीं लग रहा है एंड आई एम होपिंग कि ये जल्दी बन जाए क्योंकि ऑलरेडी खुशबू जो आ रही है मुझे नहीं इररेसिस्टिबल। ये चिकन ज्यादा टाइम लेता नहीं है क्योंकि तो ब्रेस्ट पीसेस पकने में तो जल्दी बोनलेस से जल्दी पक जाता है। तो चलिए अब देखते हैं चिकन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। अब ये चिकन के ऊपर रंग चढ़ रहा है मिर्ची का भी और ये सब मसालों का। अब इसके अंदर मैं दही डाल रहा हूँ। ओके, मैं पानी नहीं डाल रहा क्योंकि अगर आपने घी डाला है तो घी भी पानी छोड़ेगा। मैंने ऑलिव ऑयल डाला था थोड़ा सा, तो अब मैं दही डाल रहा हूँ, दही भी पानी छोड़ेगा। तो ये मैंने कम से कम 3 स्पून 3 बड़े चम्मच दही डाल रहा हूँ। तो ये ग्रेवी वाली डिश होगी या सूखी डिश? ये हल्की ग्रेवी है इसके अंदर। इट्स नॉट टोटली ड्राई एंड नॉट टोटली फुल ऑफ ग्रेवी। मैंने कहा हल्का हल्का रखा है, अगर आप चाहें तो चावल के साथ खा सकते हैं या रोटी के साथ खाएं या आप खाली चिकन भी खा सकते हैं। तो अब ये दही को हमने और इसको हिला दिया है। अब दही अपना पानी छोड़ेगा, अब हम इसको पकने रख देते हैं। तो एटलीस्ट फॉर गुड 15-20 मिनट के बाद मैं इसको खोलूंगा और हल्की आंच पे ये पक रहा है तो इसको हिलाएंगे हम दोबारा। आपको कोई और टैलेंट, मतलब गाने वाने का भी शौक? अगर गाने का शौक है, मैंने 13 साल क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, कर्नाटिक म्यूजिक सीखा है। तो चलिए लगता है हमारा चिकन तैयार हो गया है जी। और खुशबू भी अच्छा आ रहा है और ये पक भी गया है। मैं इसको देखता हूँ काट के अगर हल्का सा और मेरे ख्याल से 5-10 मिनट उसमें या साउथ इंडियन के चिकन में कोकोनट डलता है। तो मैं कोकोनट यूज करना नहीं प्रेफर करता। अगर आप चाहें तो कोकोनट को ग्रेट करके इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा पंजाबी साउथ इंडियन मिक्स है। गरिमा, अब हमारा चिकन तैयार है जी। हमारा फ्यूजन चिकन, खुशबू से भी पता चल रहा है। तो चलिए इसको अब गरम गरम सर्व करते हैं। This is all for me? All for you. अब हम इसको गार्निश करते हैं जी। इसको मैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऊपर से डाल दिया जी। तो ये आखिरी सूखी मिर्च इसको गार्निश करने के लिए। Okay. और ये आपका फ्यूजन चिकन, चेटी नाड़ कहिए या आप इसको पंजाबी चिकन कहिए, सुमेर स्टाइल चिकन, आई थिंक दैट वुड बी बेटर।